जिले में शिक्षा की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सोमवार को अंतर जनपदीय शिक्षकों की काउंसलिंग नारमल स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र की अध्यक्षता में किया गया और शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया। इस दौरान पद स्थापना समिति के अध्यक्ष और डाइट के प्रचार्य जेपी सिंह, सचिव और बीएसए बीएन सिंह, जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षक और कर्मचारी मौजूद थे। आपको बता दें कि टीचर की कमी से जिले में करीब 117 विद्यालय बंद चल रहे हैं, जिसको देखते हुए शासन ने अन्य जनपदों से 348 शिक्षकों का तबादला यहां किया है, जिससे पठन पाठन की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डाइट के प्राचार्य जेपी सिंह और बीएसए बीएन सिंह ने बताया। अरे सर ट्रेन लग जाओ का करने से सबसे बाहर निकल हेलो मेरा अरे ये ट्रांसफ़र के द्वारा जो है जो शिक्षक गोरखपुर जनपद में पोस्ट हुए हैं उनकी जो है वो 348 शिक्षक हैं जिनकी काउंसलिंग जो है विद्यालय में पोस्टिंग के लिए हो रही है। ये आज हो जाएगा नहीं तो जो बच जाएंगे उनका कल हो जाएगा। दरअसल 348 शिक्षक अंतर जनपदीय के रूप में हमारे यहाँ आए हुए हैं जिनको बंद या एकल विद्यालय 117 और 9 विद्यालय बंद हैं उसमें हमने दो दो टीचर भेजा है, साथ ही एकल जिनकी छात्र संख्या अधिक है ज़्यादा से कम की तरफ उनमें भेज रहे हैं और साथ ही साथ काउंसलिंग हो रही है। आप देख रहे हैं पूरी कमेटी बनी हुई है, काउंसलिंग के साथ ही उनको हम नियुक्ति पद भी निर्गत दे रहे हैं ताकि वो जा कर के आज कल में तुरंत ज्वाइन कर लें, जिससे निष्पक्षता बनी रहे, पूरी व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। इनकी जानकारी के लिए हमने टीवी कैमरा वगैरह भी लगा रखा है।